सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने तो मारा है मुझे। नहीं नहीं, इन्होंने मारा ना तेरे को, इसी हाथ में मारा था ना। क्लास में सीसीटीवी कैमरा है, कैमरा है ना। दोस्तों ये मेरा पड़ोसी है और कल इनके साथ क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इनका हाथ देखो एक बार पहले तो, इनको कल इनके टीचर ने इतना मारा है कि इनका हाथ पूरा सूज गया है। डॉक्टर के पास ले गए हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि इनको अभी हफ्ते से 10 दिन लगेगा ये हाथ ठीक होने में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्कूल जाएंगे इनके, और जिस टीचर ने इनको मारा है ना उनको बस्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्यों मारा है, कैसे मारा है और लॉ के खिलाफ कैसे है ये। तो दोस्तों आज हम चलते हैं चुपचाप कैमरा लेके टीचर के पास, चलो आओ। आप इनके मैथ्स के टीचर हो? जी सर। आपने कल इनको मारा है? ये देखो इतनी चोट लगी है इसको, पूरा हाथ सूज गया इसका, डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास इसकी। सरासर गलत बात है, मैंने इनको बिल्कुल भी इस तरह से कोई मैंने बिल्कुल नहीं मारा है। सर ये इन्होंने ही मारा ना? हाँ सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने तो मारा है मुझे। देखिए अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करता, मैं इनकी और प्रिंसिपल रूम में इनकी शिकायत भी करता। नहीं तो सर इतनी चोट कहाँ से लगी इसको, ये देखो पूरा हाथ सूज गया इसका, इसको किसने मारा है? जी बिल्कुल, आप ही ने मारा है कल? जी बिल्कुल नहीं, ये कहीं बाहर घूम रहे होंगे साइकिल चलाना या कहीं भी नहीं, कहीं भी क्या, ये कल स्कूल से आते इसका पूरा हाथ सूजा हुआ था, स्कूल से आते मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट में इनका टाइम भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको, ये किसी अपने दोस्त के साथ कोई नहीं, नहीं इन्होंने मारा ना तेरे को, किसी हाथ में मारा था ना, किससे मारा था? स्केल से मारा था, स्केल से मारा था। आपने इसका हाथ भी मोड़ा था, इन्होंने आपका हाथ मोड़ा था ना? ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं की। इसने मेरे को बताया कल इतनी पेन में बताया कि आपने इसका हाथ भी टेबल पे मारा है, स्केल से भी मारा है, हाथ भी मोड़ा है इसका, ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? आप टीचर हैं, आप पढ़ाने आते हैं यार, आप बच्चों को ऐसे कैसे कर सकते हैं? बच्चों के वही आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कहीं बाहर के घूमने या फिरने। सर आप तो मान ही नहीं रहे, बच्चा क्यों झूठ बोलेगा, क्लास में और कौन था, किसके सामने मारा ये? मेरी पूरी क्लास ने देखा है, आपने मुझे मारा है कल, पूरी क्लास ने देखा है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? अगर सर ऐसी कोई, आप टीचर हो के झूठ बोल रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका फर्ज है बच्चों को समझाना, ना कि मारना। मैं समझता हूं, और ये तो लॉ के खिलाफ भी है। अगर मैं आपकी कंप्लेंट कर देता हूँ ना, सेक्शन 88 इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 323 इंडियन पीनल कोड, अगर आप बच्चे को वॉलंटियरली हर्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, 1 साल की जेल हो सकती है आपको। इसके लिए अलग से कानून भी बना हुआ है, सेक्शन 23 चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, 1 साल के लिए जाएंगे आप कम से कम अंदर। आपके पास पूरे राइट्स है सर, अगर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी मना कर रहा हूं, मैंने इनके साथ। सर आप फिर भी मान रहे बात? मैं फिर भी मना आपको सर थोड़ा सॉरी फील करना चाहिए। क्लास में सीसीटीवी कैमरा है, कैमरा है ना, कहा है ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, फुटेज निकलवाऊं मैं आपकी प्रिंसिपल रूम में आके? अगर बच्चे से आपको इतनी प्रॉब्लम है, बच्चे के माँ बाप को बताइए, प्रिंसिपल को बताइए, अभी भी आप नहीं मानेंगे, आपने नहीं मारा इसको? I'm really sorry, sir, आप ये सारी शिकायतें, मतलब मारा है ना आपने? मैं काफी हल्के से मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता था। सर ये हल्के से थोड़ी होता है, इतनी आपने इतनी जोर से मारा है, इस बच्चे का पूरा हाथ सूज गया। मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने काफी हल्के से मांगा, मुझे नहीं पता था इतनी चोटें लग सकती। सर कैसे टीचर हैं आप? सर आपको शर्म आनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी उसके लिए, अगली बार से मैं आप अभी जाके अगर आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दूं ना, आप सस्पेंड भी हो जाएंगे, आपको 1 साल की जेल भी हो जाएगी। सर माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक बाल बच्चे वाला हूं, अपने रोजगार चलाऊंगा। तो सर आपको सोचना चाहिए ना, अगर आपके बच्चे हैं तो ये भी तो किसी का बच्चा है ना सर। मैं माफी चाहूंगा, अगली बार से ऐसी कोई आपको शिकायत की मौका नहीं मिलेगी, माफी चाहूंगा।